गणेश विसर्जन को लेकर आज गाइडलाइन तैयार हो रही है, इस संबंध में सभी धर्मगुरुओं से चर्चा की थी, बात की थी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी सब अधिकारी, पुलिस अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, ग्रामीण के, पंचायत के, सभी लोगों ने आपस में चर्चा हुई है। किसी प्रकार का भी जुलूस, जलसा, विसर्जन जो स्थल रहते थे पहले, जलाशय वगैरह, वहाँ अलाउड नहीं रहेगा। हर वार्ड में व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, हर वार्ड में जो प्रतिमाएं, गणेश जी की प्रतिमाएं जो घर में विराजित की गई हैं, उनको वहाँ इकट्ठा कर सकते हैं बिना किसी शोर शराबे के, चुपचाप अपने घर से ला के वहाँ रख सकते हैं उसको। वहाँ से धार्मिक रीति रिवाज के पूजा पाठ करके और वहाँ से गाड़ियों के माध्यम से जो भी विसर्जन हम लोग करते हैं नगर निगम की ओर से, उस जगह विसर्जित की जाएंगी मूर्तियाँ वो। और इसी प्रकार ताजिए भी, हम लोग की बात हुई है उसमें भी लोगों से, और ताजिए भी यथासंभव घर में ही उसको ठंडा कर लें पूजा पाठ करके, फातिया जो धार्मिक पद्धति रहती है। और अगर कहीं ऐसा लगता है SDM CSP को कि ताजिए इकट्ठे करके और उसका शासकीय पद्धति से उसका विसर्जन करना है, ठंडा करना है, तो वो भी SDM CSP को उन्होंने लिबर्टी दी हुई है उसमें। जो भी जनपद है या नगर निगम है वो उसमें आवश्यक व्यवस्था करेगी उसमें।